इशारे तेरे कंधे दे दिल मंगने दे मेरा भी दिल चोरी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, तो जैसे कि आपने आगे देखा कि आज हम किस तरह के वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, तो इस तरह के वीडियो में कुछ हम इस तरह की एडिटिंग करने वाले हैं कि आप अपने वीडियो में ये जो फर्स्ट में है ब्लर वाला इफेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो, दूसरा यहाँ पे जूम शेक इफेक्ट, और यहाँ पे तीसरा है फ्लैश इफेक्ट। आप अपने वीडियो में इस तरह के ये जो इफेक्ट है वो आप अपने वीडियो में किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, तो आज आपको भाई आपको इस तरह के वीडियो क्रिएट करना सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले और भी बेहतरीन ट्रेंडिंग ट्विटर वीडियो को देख सको सबसे पहले। तो फिर चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि हम सभी तरह के वीडियो एडिटिंग जो है वो हम VN ऐप में ही करते हैं। अगर आपने इस वाले ऐप को यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया तो आप इस वाले ऐप को यहाँ पे प्ले स्टोर ऐप स्टोर से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले VN ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको VN ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना होगा। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना, यहाँ पे आपने जो वीडियो को शूट किया है ओके उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना होगा। यहाँ पे आपको इसका जो रोशी है उसको आपको यहाँ पे 9.60 कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो इस वीडियो का जो ओरिजिनल साउंड है ओके उसको यहाँ पे आपको इसे म्यूट कर लेना होगा। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे वीडियो को शूट किया हो तो वहाँ पे वीडियो में यहाँ पे नॉइज या फिर जो वो यहाँ पे म्यूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको यहाँ पे जो इसके वाटरमार्क वाला पार्ट है ओके उसको आपको यहाँ पे डिलीट कर लेना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे स्लो मोशन रखना है ओके, यहाँ पे आपको जो स्लो मोशन रखना है, फास्ट रखना है, जो इसका एक्स्ट्रा पड़े वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे कर लेनी। उसके बाद आपको यहाँ पे इसी वीडियो को यहाँ पे आपको सेव कर लेना होगा। तो मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपको इस वाले जो हमने वीडियो को सेव किया उसको आपको आगे क्या करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको ये करने के बाद आपको यहाँ पे जो साउंड वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो टैप टू ऐड म्यूजिक ओके, यहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक पे टैप करना, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पम वीडियो पे टैप करना होगा। और यहाँ पे हमने जिस वीडियो को इंस्टाग्राम से डाउनलोड किया था उसको आपको यहाँ पे टैप करना है। और आपको इस वीडियो का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये वाला वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे वीडियो पे आपको टैप करना है, डन करना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पे जो न्यू एल्बम वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना है। वापस आप न्यू एल्बम पे जाना, और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वाला ऑडियो हमारे वीडियो का साउंड तो उसको आपको यहाँ पे यूज़ करके यहाँ पे डन कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा ऑडियो जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑडियो पे टैप करना है, बीट में जाना है, और यहाँ पे आपको मैं जो बीट बता रहा हूँ आपको उसी बीट मार्क को यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर देना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट बीट मार्क होगा 4.29। ओके, 4.29। ओके, तो आप सबको पता ही है कि आपको किस तरह से यहाँ पे बीट मार्क को अप्लाई करना है। ओके, तो आपको यहाँ पे इस साउंड का जो फुल बीट मार्क है ओके वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर लेना। ओके, आपको उसके हिसाब से यहाँ पे बीट को यहाँ पे अप्लाई कर देना। ओके, तो यहाँ पे मैं चलिए जो हमारे बीट मार्क है ओके यहाँ पे मैं सभी को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ओके, ताकि हमारा यहाँ पे जो वीडियो यहाँ पे ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सभी बीट मार्क को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसे डन कर लेना होगा, और जहाँ जहाँ पे हमने बीट मार्क लगाया ओके वहाँ पे आपको आ जाना, और आपको इस वीडियो को यहाँ पे स्पीड कर लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको इस साइड को यहाँ पे बड़ा कर लेना है ताकि आपको बीट करने में यहाँ पे आसानी रहेगी। ओके, यहाँ पे आपको बीट के यहाँ पे बिल्कुल बीच में आ जाना है, स्पीड करना है। ओके, बीट ओके, तो आपको इस तरह से बीट के बीच में आना है, और आपको इस वीडियो को यहाँ पे स्पीड कर लेना होगा क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे फ्लैश इफेक्ट लगाना है, और यहाँ पे हमारा जो जूम शेक इफेक्ट ओके उसको हमें यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। इसके लिए आपको यहाँ पे वीडियो को स्पीड करना होगा। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे इस वीडियो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आपको यहाँ पे डिलीट कर लेना होगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे जो एफेक्ट्स वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे आगे चले जाना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो जीटल वाला एफेक्ट है उसको आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सेकंड वाले जो हमारा स्पीड है यहाँ पे आपको आ जाना है, एफेक्ट्स में जाना है, और यहाँ पे आपको जीटल वाले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो आगे वाला पार्ट है उस पर यहाँ पे आपको इसे पूरा बड़ा कर लेंगे, और आपको यहाँ पे इसे छोटा करें, और आपको इसे कर लेना है 0.23 सेकंड। आपको इस वाले एफेक्ट्स को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आपको ये करने के बाद आपको यहाँ पे इसे अप्लाई टू ऑल कर देना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जितने वीडियो है ओके जहाँ पे हमने स्पीड किया वहाँ पे ये वाला एफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला वीडियो यहाँ पे आपको टैप करना है, एफेक्ट्स भी जाना, और यहाँ पे इस वाले एफेक्ट को यहाँ पे आपको हटा लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो शेप इफेक्ट है
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे जो शेप इफेक्ट है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, तो हमें यहाँ पे इसे यहाँ पे थोड़ा स्मूथ करना होगा। ओके, तो उसके लिए अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि हमने जिस वीडियो को यहाँ पे हमने पहले सेव किया था, ओके, तो उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो आइकन दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, जो गैलरी वाला आइकन है यहाँ पे आप देख सकते हो, टैप टू एस टी करो, यहाँ पे आपको टैप करना है, स्टॉक में जाना, और यहाँ पे हमने जिस वीडियो को सेव किया था अभी उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने उस वीडियो को यहाँ पे ओपन कर लिया। ओके, तो आपको इस वीडियो को यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे उसे बड़ा कर लें। ओके, ओके, इतना सा थोड़ा बड़ा कर लें। ओके, यहाँ पे ज़्यादा आपको यहाँ पे बड़ा नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे आपको आगे आ जाना, और यहाँ पे आपको आ जाना, और यहाँ पे हमारा जो स्पीड वाला पार्ट, ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा आगे, ओके, यहाँ पे आपको स्पीड करना, और यहाँ पे हमारा जो दूसरा पार्ट, ओके, और यहाँ पे हमने जो स्पीड किया उसके आपको बीचों बीच उसे आगे से और पीछे से आपको इसे स्पीड करें। ओके, और इसका जो आगे वाला पार्ट उसको आपको यहाँ पे डिलीट करना। ओके, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से आपको यहाँ पे स्प्लिट करना। ओके, यहाँ पे हमारा जो स्प्लिट का जो पार्ट है उसके बीचों बीच पे आ जाने के बाद आपको इस वाले आगे वाला पार्ट उसको आपको डिलीट करना। ओके, तो यहाँ पे मैं अब आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे हमारा जो इफेक्ट आप देख रहे हो जो ग्रीन लाइन, ओके, यहाँ पे आपको आ जाना, और यहाँ पे हम सबसे पहले वीडियो का हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो ज़्यादा जूम हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे आपको इसे बढ़ा रहे। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो जूम इफेक्ट है वो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे स्मूथ हो रहा है। ओके, ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो एपेक्स का जो ग्रीन वाली लाइन, ओके, यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे इसे थोड़ा यहाँ पे आपको पीछे तक आपको इस वाला जो ऊपर बढ़े, ओके, उसको आपको यहाँ पे स्पीड कर लें। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, तो आपको इस तरह से आपको आगे चले जाना है, और आपको आगे वाले पार्ट को डिलीट कर लेना है, और आपको यहाँ पे जो ग्रीन वाला एपेक्स, ओके, वहाँ पे आपको थोड़ा आपको इसे स्पीड कर लें। ओके, और आपको यहाँ पे ये जो आगे वाला पार्ट है उसको आपको चले जाना है एपेक्स, और यहाँ पे हमारा जो ग्रीन वाला एपेक्स है यहाँ पे आपको चले जाना, और यहाँ पे आपको स्पीड करना, और यहाँ पे हमारा जो बीच वाला पार्ट है उसको आपको यहाँ पे डिलीट करना है, और यहाँ पे हमारा जो इसका जो बीच वाला पार्ट उसको आपको यहाँ पे डिलीट करना। ओके, तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं हमें कितना जूम, तो आपको यहाँ पे इस वीडियो को यहाँ पे बढ़ा कर लें। ओके, फिर आपको देखना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो शेप है वो यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे कम और स्मूथ में यहाँ पे हो रहा। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पर, ओके, तो आपको इस तरह से जो हमारा ऊपर वाला वीडियो, ओके, उसको यहाँ पे आपको इसे ध्यान से यहाँ पे आपको स्पीड कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपको आगे चला जाना, और यहाँ पे आपको स्पीड करना, और यहाँ पे हमारा जो ग्रीन वाला इफेक्ट लाइन यहाँ पे आपको थोड़ा यहाँ पे बैक साइड जाना, और यहाँ पे आपको इसे स्पीड करना। ओके, यहाँ पे स्पीड, और यहाँ पे इस वाले पार्ट को आपको डिलीट करना है, और यहाँ पे आपको इसे यहाँ पे स्पीड, और यहाँ पे आपको आगे चले जाना, यहाँ पे आपको स्पीड। ओके, तो यहाँ पे आपको चेंज करना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं स्मूथ शेक और जूम इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको आगे आ जाना है, और आपको स्पीड, यहाँ पे आपको आगे चलना है स्पीड, और आपको बीच वाले पार्ट को यहाँ पे आपको डिलीट कर लेना। ओके, तो आपको इस तरह से सभी वीडियो पे इस तरह से स्पीड आपको कर लेना। ओके, स्पीड, और इसको आपको डिलीट करना है, और यहाँ पे आपको आगे जाना है, और यहाँ पे आपको इसे स्पीड कर लेना है, स्पीड स्पीड, और आपको यहाँ पे इसे डिलीट, यहाँ पे आपको स्पीड, और यहाँ पे आगे वाले पार्ट को आपको यहाँ पे डिलीट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे ये जो पार्ट है उसको आपको यहाँ डिलीट करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो शेक इफेक्ट वो यहाँ पे हो रहा है एकदम स्मूथ, और यहाँ पे हमारा जो वीडियो वो यहाँ पे स्मूथ तरह से यहाँ पे जूम भी हो रहा है, और यहाँ पे शेक इफेक्ट भी हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा दोनों काम यहाँ पे एकदम अच्छे से हो गए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और अब हमें यहाँ पे फ्लेश इफेक्ट लगाना। ओके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे आगे आ जाना। ओके, यहाँ पे हमारा जो पहला वाला स्पीड, ओके, यहाँ पे आपको आ जाना, और यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे जो गैलरी वाला आइकन, यहाँ पे आपको टैप करना है, स्टॉक पर जाना, और यहाँ पे आपको वापस से स्टॉक में जाना होगा, और यहाँ पे जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड है उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना, और आपको इसे यहाँ पे पूरा बड़ा कर लेना है। ओके, और आपको इस बैकग्राउंड को यहाँ पे पूरे यहाँ पे लास्ट आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो व्हाइट वाला बैकग्राउंड है यहाँ पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे स्लाइड करना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्लेंडिंग वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना है, और आपको यहाँ पे जो ओवरली वाला ब्लेंडिंग, ओके, उसको आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना, और आपको इसकी कैपेसिटी को आपको यहाँ पे 50 ऐड आपको कर लेना। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसे डन कर लेना होगा। तो आपको ये करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला स्पीड आपको आ जाना है, और आपको इस वाले बैकग्राउंड को यहाँ पे इसे स्पीड करना होगा। तो जहाँ तक हमारा जो सेकंड वाला वीडियो, ओके, जिसको हमने अभी स्पीड किया, आपको उसके साथ यहाँ पे आपको स्पीड करना होगा। ओके, यहाँ पे हमें स्पीड है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला वीडियो जहाँ तक हमने इसको स्पीड किया उसके यहाँ पे थोड़ा आपको बैक साइड में आ जाना, और आपको यहाँ पे इसे स्पीड करना। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो बीच वाला पार्ट उसको आपको यहाँ पे डिलीट करना है, यहाँ पे स्पीड करना है, और यहाँ पे आपको जो वीडियो है हमारा जो नीचे वाला, ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा आपको यहाँ पे पीछे, और आपको यहाँ पे स्पीड करना है, और आपको यहाँ पे इसे आगे वाला पार्ट है उसको आपको यहाँ पे सेम टू सेम आपको यहाँ पे स्पीड करना। ओके, स्पीड, और आपको यहाँ पे इसे डिलीट करना है, और यहाँ पे आपको आगे चले जाना है, और यहाँ पे आपको स्पीड करना है, और यहाँ पे आपको आगे चले जाना है। तो आपको इस तरह से जो ब्लैक वाला बैकग्राउंड, ओके, उसको आपको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आपको स्पीड करना होगा। ओके गाइस, ध्यान से देखिएगा। ओके गाइस, अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके,
तो यहाँ पे हमारा जो इस वाइट बैकग्राउंड जो आगे वाला पार्ट के, तो यहाँ पे हमारा जो वाइट बैकग्राउंड उसका जो आगे वाला पार्ट है उसको आपको ये जो हमारा नीचे वाला वीडियो होके उसको आपको यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर से आपको इसे स्प्लिट करना है। और यहाँ पे हमारा जो बैक वाला पार्ट होके उसको हमारा जो नीचे वाला उसको आपको यहाँ पे थोड़ा बैक साइड आना है, उसको आपको यहाँ पे स्प्लिट करना है, उसको आपको डिलीट और इसे आपको यहाँ पे स्प्लिट और उसको भी आपको यहाँ पे डिलीट। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो जूम शेक इफेक्ट होके जूम वाला और स्मूथ शेक इफेक्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा होगा। तो उसके बाद आपने प्रीव्यू में जो वीडियो देखा वहाँ पे आपने देखा होगा ये हमारा जो फर्स्ट में वीडियो यहाँ पे शुरू होता है वहाँ पे ब्लर वाले इफेक्ट होते थे, वहाँ पे ब्लर वाले इफेक्ट होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इस वाले वीडियो पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको स्लाइड करना और यहाँ पे आप देख सकते हो बीच वाला जो आइकन होगा यहाँ पे आपको टैप करना और यहाँ पे आपको इस वाले वीडियो पे आपको यहाँ पे टैप करना और आपको इस वीडियो को यहाँ पे स्लाइड करके यहाँ पे नीचे रख देना। ओके, तो उसके बाद आपको अपने हिसाब यहाँ पे आपको जितना ब्लर रखना वो अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो। चलिए मैं इसे इतना सारा रख लेता हूँ। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसे डन करना होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो गैलरी वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना है, स्टॉक पे जाना है और यहाँ पे आपको स्टॉक में चले जाना है और यहाँ पे आपको वापस से वाइट बैकग्राउंड को यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है और उसको आपको यहाँ पे पूरा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इसे स्लाइड करके यहाँ तक आपको इसे बड़ा कर लेना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पीछे रखना होगा और जहाँ पे आपको ब्लेंड में चले जाएँ और जहाँ पे आपको इसे वापस से कर लेना ओवर। ओके, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आप जितना यहाँ पे लाइट इफेक्ट, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जितना लाइट इफेक्ट रखना चाहें वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, तो चलिए मैं इसे यहाँ पे पूरा 100 ही रखूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़े दिख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड टैप करना है मोशन में जाना और यहाँ पे इसका आउट एनिमेशन को आपको यहाँ पे फेड वाला एनिमेशन को यहाँ पे अप्लाई कर देना। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो वो यहाँ पे पूरी तरह से एडिट हो चुका होगा। तो फिर चलिए मैं वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारा वीडियो यहाँ पे किस तरह से एडिट हो चुका होगा गाइस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से एडिट हो चुका है। ओके, तो आप भी इस तरह के इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो फिर चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।